Hi, this is Sunidhi Chauhan and you're watching Bazooka. Up and down, yeah. All down. Pranam kiye. Roshni enter. चुप क्यों हो रोशनी? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने हनुमान के साथ? रोने धोने का नाटक बंद कर और सीधा सीधा बताओ, हनुमान कहाँ है? वो हम दोनों पास के पार्क पे खेल रहे थे। उसको भूख लगी और उसके लिए आइसक्रीम लेने गई। मैंने उसे रोका था कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन पता नहीं कब वो मेरे पीछे आ गया और गाड़ी के नीचे। नहीं, खाओ लड्डू, खाओ आगे जाओ, खाओ लड्डू। खाओ एक बार, आइए खा रहे हो। इसीलिए मैंने अपना पहला मुंह छुपाया और मैंने उसको रिवील किया। सो यस, एक सीक्वेंस था जहाँ पे अभी हमने, अब मतलब सारे ऑडियंस, हम हमारे फैंस देख सकते हैं कि अभी एक छोटे से प्यारे से बच्चे की एंट्री हुई है हमारे शो में और वो बहुत शैतान है और वो सारी शैतानियाँ रोशनी के साथ करता है और यही एक उसकी शैतानी का नतीजा है जो मेरे फेस के ऊपर लगा हुआ है। टेक्निकली सब लोगों को यही लगेगा कि हाँ, मतलब एज़ पर द सीन ये गोबर है जो मेरे मुंह पे लगा हुआ है, बट हाँ, तो बहुत फ़नी सीन था वो, जहाँ पे वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी और फिर मेरा पैर स्लिप होता है और मैं सीधा गोबर के ऊपर गिर जाती हूँ। तो ये मेरी हालत उसी चक्कर में हुई है और वो इस पूरी हालत का ज़िम्मेदार वो बच्चा है। अच्छा, अभी सीन में हम देख सकते हैं कि रोशनी माफ़ी मांगते हुए आ रही है, श्रद्धा देवी हमें माफ़ कर दीजिए, ये वो क्या हो गया ऐसा जिससे माफ़ी मांगनी पड़ रही है? जब उसने मेरा ये हालत किया ना, फिर तो आपको पता है रोशनी का रुद्र रूप एकदम बाहर आ गया और उसने ना ये सोचा कि वो बच्चा है तो क्या हुआ, वो सीधा उसको बीक सड़क पर खड़े होके गाड़ी के नीचे सीधा एक्सीडेंट कराने के लिए रेडी हो गई। तो अब आई है यहाँ पे तो सब लोग पूछेंगे कि अभी क्या हुआ उसको, कैसे हैं, क्या है। तो उसने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, रोना धोना चालू करते हैं अपना और चुपचाप माफ़ी मांग लो, पहले ही इससे पहले बम पटे चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। और वहीं उसने माफ़ी मांगी और बोली कि ऐसा ऐसा हो गया है बच्चे के साथ, गलती हो गई है मुझसे, अभी तो मैं क्या करूँ। लेकिन ये सब सीक्वेंस जैसे बच्चे का ऐड ऑन होता है सीन में, शो में, तो ये एक स्ट्रेस रिलीफ करके ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। जब भी एक बच्चा कहीं भी किसी भी शोज़ में आता है तो एक केयर फ्री वाला वातावरण बन जाता है पूरा सेट पे और एक लाइवली सा फील होता है, बिकॉज अभी काफ़ी समय से हमारे शो में भी हम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही कर रहे थे और कहीं ना कहीं अब बच्चे की एंट्री हुई है तो थोड़ा सा एक कॉमिक फैक्टर आया है, बिकॉज़ वो बच्चा रोशनी को बहुत परेशान करता है तो वहीं उसको परेशानी में वो बहुत कॉमेडी वाले सीन्स आते हैं, तो आप वो देखेंगे अभी, आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब रोशनी का क्या टेक होने वाला है, रोशनी का क्या आगे की प्लानिंग होने वाली है, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो
लेवल में आ चुकी है। यस, अभी जैसे मुझे पता चला कि अभी तो मैं उस बच्चे को वहाँ छोड़ के आई और कट्टू वो यहाँ आ गया, वो भी जिंदा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी से ही उसको थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना फुल फ्लेज्ड प्लान बनाया रोशनी ने और फिर भी उसके बाद ये एकदम सही सलामत यहाँ कैसे आया। सो हाँ, रोशनी को भी डाउट हो गया है कि बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है और वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा के उसको यू नो साबित करने की कोशिश करेगी, निकालने की कोशिश करेगी आखिर माजरा क्या है पूरा। थैंक यू।